नमस्कार। गर्मी शुरू हो गई है और बहुत सारे बच्चों को नाक से खून आना शुरू हो गया है। ऐसे बच्चों के लिए आज मैं दो रेसिपी बना रही हूँ, ऐसी जो हमारी पीढ़ियों से हमारी नानी और दादी हमें देती आई हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। ये गोंद कतीरा है, साधारण गोंद से अलग है लेकिन दिखने में गोंद जैसा ही लगता है। ये ड्राई फ्रूट की दुकान या किराना शॉप पर मिल जाता है या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, इन्हें हम तोड़कर पहले छोटा छोटा कर लेंगे। दो टेबल स्पून कुटा हुआ गोंद कतीरा ले लिया। इसे भिगोने के लिए डालेंगे इसमें पानी, आधा कप पानी और दो टेबल स्पून पानी, मतलब चार से पाँच गुना पानी इसमें डाल देते हैं। इसे ढककर तीन चार घंटे भीगने दीजिए या ओवरनाइट भिगो कर ले लीजिए। ये रात भर भीगा हुआ गोंद कतीरा है, हमने दो टेबल स्पून भिगोया था लेकिन देखिए ये फूल कर कितना हो गया है। अब बच्चों को देने के लिए या आपके खाने के लिए बस इसमें से तीन चार चम्मच ले लीजिए और एक चम्मच शहद डाल दीजिए, उतना ही जितना कि आप मिठास पसंद करते हैं। आप शहद की जगह ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं या सफ़ेद चीनी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, इतना कि बस ये खीर जैसा बन जाए। इसे रोज़ाना दिन में एक बार बनाकर खिलाइए। ये ठंडक देता है, इससे नक्सीर फूटना बंद हो जाता है और लू और स्ट्रोक से भी बचाता है। अब दूसरी रेसिपी, जिसे बनाने का सामान आपकी किचन में ही है, हम सौंफ का दूध बनाएंगे। सौंफ के दूध के लिए हमने दो टेबल स्पून सौंफ ले लिए साफ करके, तो इसे धो लेते हैं, पानी हटा देते हैं। एक बार फिर से पानी डालेंगे इसमें और एक बार धो लेंगे और अब इसमें डाल देंगे पानी, अच्छा डुबाते हुए पानी डालेंगे, अच्छे तरीके से डूब जाए। ढक के रख देंगे इसे। और ये दो टेबल स्पून किशमिश और आठ बादाम लिए हैं, इनको भी अच्छे तरीके से धो लेते हैं। एक बार और धो लीजिए और अब पानी में डुबा दीजिए, ढक करके ओवरनाइट छोड़ दीजिए। ये सौंफ और बादाम किशमिश पूरे ओवरनाइट भिगोकर हमने ले लिए हैं। देखिए किशमिश कितनी अच्छी फूल गई है, बादाम भी फूल गए हैं। तो ये बादाम हैं, इन्हें छील लेते हैं। भीगे हुए बादाम बड़े आराम से छिल जाते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बादाम छीलने हैं। ये बादाम छिल गए। सौंफ को पीसने के लिए इसे जार में डाल देते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इतना पानी तो हमें पीसने में लग जाएगा। अगर सौंफ को आपने ज़्यादा पानी में भिगोया है तो उस पानी को अलग हटाकर रख लीजिए, उसे हम छानते समय मिला लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ दो टेबल स्पून ब्राउन चीनी। आप इसकी जगह मिश्री ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, वाइट चीनी भी ले सकते हैं। इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए सौंफ को हमने एकदम बारीक पीस लिया है। इसमें मैंने दो टेबल स्पून शुगर डाली है, आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम ज़्यादा जितना भी चाहें कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसे छान लेते हैं। ये सौंफ का पानी बनाया है, आप इसमें कुछ भी नहीं डालें और इसी का शरबत बनाकर बच्चों को दे दें या आपको गर्मी से कोई प्रॉब्लम है तो आप ले लें, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये थोड़ा सा मोटा मोटा निकला है, इसे हटा दीजिए। अगर ज़्यादा मोटा निकल आता है तो उसे आप दोबारा पीस कर छान लीजिए। अब ये बादाम किशमिश भी पीस लेंगे। ये किशमिश और बादाम का पेस्ट बना लिया हमने, इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। ये पेस्ट हम इसी में मिला देंगे। इसमें अगर बादाम और किशमिश के कुछ टुकड़े भी रह जाते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये पेस्ट निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ों का अच्छा सा घोल बन गया। अब इनसे दूध या शरबत जो भी आप चाहें बना सकते हैं। आपको दूध का पसंद है इससे दूध बनाइए, और अगर दूध नहीं पसंद है तो इससे शरबत बनाइए। तो मैं इससे दूध बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो ये जो हमने घोल बनाया था, थोड़ा थोड़ा घोल ग्लासेस में डाल देते हैं। इतने घोल से चार से पाँच ग्लासेस शरबत या दूध बना सकते हैं। इसमें दूध डाल देंगे। दूध आप फुल क्रीम या टोंड कोई भी ले सकते हैं। ये ठंडा दूध है, मैंने उबले हुए दूध को फ्रिज में रख कर ले लिया है। और ये बादाम कतरन, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। गोंद कतीरा की खीर और सौंफ का दूध बनकर तैयार है। दोनों ही बहुत टेस्टी हैं, ठंडक देने वाले हैं,
ताजगी देने वाले हैं और पूरे न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं। सौंफ का दूध या गौंद कतीरा की खीर जो भी अवेलेबल हो आप बच्चों को तुरंत बनाकर देना शुरू कर दीजिए। पूरे गर्मियों तक उन्हें देते रहिए तो ये प्रॉब्लम कभी उनको गर्मी भर आएगी ही नहीं। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो गर्मी के मौसम में उन्हें भी नाक से खून आता था, इतना कि वो लेटे होते थे, नाक से खून इतना आ जाता था कि वो तकियों तक बहकर चला जाता था और मैं देखकर बहुत घबरा जाती थी। इसके बाद जब सौंफ का दूध बनाकर देती और सारी गर्मी ये सौंफ का दूध चलता रहता था, बच्चे बिल्कुल ठीक रहते थे। तो आपने ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।